होगा। 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर किसको देखना चाहेंगे? हाँ, हमारे जो मोदी जी अभी प्रेजेंट में है उन्हीं को देखना चाह रहे हैं। और मोदी जी को देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल। मोदी जी क्या किए जो आप इतना मतलब कुछ किए हैं? आप किसको वोट देंगे? मोदी को देंगे। क्यों मोदी को देंगे? मोदी जी का काम अच्छा कर रहे हैं, वो सबको लेके चल रहे हैं। हाँ। सबको लेके चल रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान सबको लेके चल रहे हैं। तो सबको पार्टी दूसरा पार्टी वाला कहता है कि मोदी जो है वो मुस्लिम का विरोध करता है। नहीं, विरोध कैसे करता है? मोदी जी हटेंगे या पीएम पद पे रहेंगे? नहीं, मोदी जी ही रहेंगे। देश हित में सब काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो अपनी जगह पे है, लेकिन देश हित में बहुत काम हुआ है। अच्छा, दूसरा पार्टी वाला लोग कहता है कि भाजपा खाली हिंदू मुस्लिम करती है, मुस्लिम विरोधी की बात करती है। लेकिन वो अलग चीज है, कहने वाले की बात अलग है। जो जमीनी हकीकत है वो बेहतर है और हर लाइन से है, ऐसी बात नहीं है। तो 24 में वोट करेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, जीतेंगे मोदी जी। मोदी जी 100%। क्या बात है, क्या 2024 में किसको वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे भाई। क्यों? क्यों? इसलिए मोदी जी हम लोग को बहुत कष्ट कर रहे हैं, बेरोजगारी दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, समझे ना? आप इधर आइए चाचा, आप इधर आइए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी आप लोगों को कष्ट दे रहे हैं, ये चाचा कह रहे हैं कि मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम सबकी बात कर रहे हैं। मोदी जी कष्ट दे रहे हैं आपको? जी इधर इधर नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो ये बोल रहे हैं मोदी जी कष्ट दे रहे हैं? उसको कष्ट मिला होगा, हमको तो कष्ट नहीं मिला है, हम क्यों खिलाफ बोले? आपको व्यक्तिगत मोदी जी क्या कष्ट दे दिए? हम बीकॉम किए हुए, हमें बेरोजगार है। कब बीकॉम किए? मिले हम किया है लगभग 90 में किया, 1990 में। जी हाँ, 1990 में तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें क्यों नहीं, क्यों क्यों रोजगार मिला आपको? 1990 65 साल कांग्रेस की सरकार रहा, 1990 में आप बीकॉम किए, रोजगार तो आपको उसमें मिलना चाहिए। बिजनेस कर रहे थे, ये मतलब सर्विस पर ध्यान नहीं दिए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर। अभी हम देखिए फतेहपुर में मौजूद है, हमारे सामने यहाँ पर जो है वो एक मस्जिद है और बगल में मदरसा है। यहाँ पर जो है वो बच्चों को कहीं ना कहीं जो है वो पढ़ाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तफजुल हुसैन। 2024 में किसको पीएम के रूप में देखना चाहेंगे? हम तो नीतीश कुमार को देखना चाहेंगे। लगता है कि नीतीश कुमार पीएम पद के लिए जो है फॉर्म भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे नहीं, लेकिन रेस में है तो। मोदी में क्या खराबी? खराबी कुछ नहीं, बदलना चाहिए तो 10 ही साल में बदल दीजिएगा। हाँ? 65 साल राज किया है कांग्रेस, उससे क्या होगा? अच्छा, क्या अभी मोदी के सरकार में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या चीज जो है वो बेहतर होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? क्या हम इसे मोदी को क्यों उठाना चाहेंगे? कुछ तो कारण होगा आपके पास। बदलाव चाहिए। क्यों? जब कोई अगर बेहतर कर ही रहा है तो बदलाव क्यों? बदलाव होना चाहिए बस। क्यों? मोदी क्या खराबी कर रहा है? खराब मोदी के नाम से दिक्कत है क्या? इधर हटिए हटिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन हुआ। 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर किसको देखना चाहेंगे? हाँ, हमारे जो मोदी जी अभी प्रेजेंट में है उन्हीं को देखना चाह रहे हैं। और मोदी जी को देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल। मोदी जी क्या किए जो आप इतना मतलब कुछ किए हैं? हाँ जी। तो आपके साथी भाई तो अभी बोल रहे थे कि बदलाव चाहिए। बदलाव नहीं चाहिए, हमको चाहिए मोदी जी। चाहिए मोदी जी? चाहिए। क्यों मोदी जी चाहिए? हाँ, हमसे हमको उससे फायदा है। क्या फायदा है? बहुत कुछ फायदा है। आपके आपके मतलब बिरादरी के बहुत सारे लोग तो विरोध करते हैं। विरोध करते हैं, जो करते हैं, जिसको नहीं मालूम है वो विरोध करेंगे। मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बढ़िया किए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी, मोदी से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। 24 में वोट किसको देंगे? हम मोदी को देंगे। मोदी को दीजिए? बिल्कुल देंगे। आप किसको वोट देंगे? मोदी को देंगे। क्यों मोदी को देंगे? मोदी जी का काम अच्छा कर रहे हैं, वो सबको लेके चल रहे हैं। हाँ। सबको लेके चल रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान सबको लेके चल रहे हैं। तो सबको पार्टी दूसरा पार्टी वाला कहता है कि मोदी जो है वो मुस्लिम का विरोध करता है। नहीं, विरोध कैसे करता है? हम तो चाहते हैं कि मोदी रहे। तो वोट मोदी को दीजिए? हाँ, मोदी को देंगे। 24 में क्या बदलाव हो रहा है? मोदी जी हटेंगे या पीएम पद पे रहेंगे? नहीं, मोदी जी ही रहेंगे। देश हित में सब काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो अपनी जगह पे है, लेकिन देश हित में बहुत काम हुआ है। अच्छा, दूसरा पार्टी वाला लोग कहता है कि भाजपा खाली हिंदू मुस्लिम करती है, मुस्लिम विरोधी की बात करती है। लेकिन वो अलग चीज है, कहने वाले की बात अलग है। जो जमीनी हकीकत है वो बेहतर है और हर लाइन से है, ऐसी बात नहीं है। तो 24 में वोट करेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, जीतेंगे मोदी जी। मोदी जी 100%। क्या बात है, क्या 2024 में किसको वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे भाई। क्यों? क्यों? इसलिए मोदी जी हम लोग को बहुत कष्ट कर रहे हैं, बेरोजगारी दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, समझे ना? आप इधर आइए चाचा, आप इधर आइए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी आप लोगों को कष्ट दे रहे हैं, ये चाचा कह रहे हैं कि मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम सबकी बात कर रहे हैं। मोदी जी कष्ट दे रहे हैं आपको? जी इधर इधर। नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो ये बोल रहे हैं मोदी जी कष्ट दे रहे हैं? उसको कष्ट मिला होगा, हमको तो कष्ट नहीं मिला है, हम क्यों खिलाफ बोले? तो आपको व्यक्तिगत मोदी जी क्या कष्ट दे दिए? हम बीकॉम किए हुए, हमें बेरोजगार है। कब बीकॉम किए? मिले हम किया है लगभग
90 में किए। 1990 में जी हाँ। तो 1990 में तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें क्यों नहीं, क्यों क्यों रोजगार मिला आपको? 1990 65 साल कांग्रेस की सरकार रहा, 1990 में आप बीकॉम किए, रोजगार तो आपको उसमें मिलना चाहिए। बिजनेस कर रहे थे ये, मतलब सर्विस पर ध्यान नहीं दिए थे। अच्छा, तो ये आपकी गलती है ना, उस समय अगर सर्विस पर ध्यान दिए तो मिलता आपको। क्या ये बताइए, 24 में पीएम पद के लिए कौन होगा? 24 में 24 में पीएम पद के लिए मोदी जी रहेंगे कि नहीं, ये बात हम लोग कैसे बता देंगे? अरे तो आप एक वोटर हैं, 24 में किसको वोट दीजिएगा ये बताइए? किसको देंगे हम लोग, अभी कैसे बता रहे हैं? फिर भी मोदी जी का काम कैसा लगा? एकदम मोदी जी रहेंगे कि मोदी जी रहेंगे एकदम। अच्छा, क्या किया है आखिर मोदी जी? जो मोदी जी रहेंगे पहले सो बताइए क्या किए हैं? गैस का दाम बढ़ा दिया, और क्या किया? गैस का दाम बढ़ा दिया तो मोदी जी को रखेगा, एकदम उसी को रखना है। और क्या क्या दिक्कत कर रहे हैं मोदी जी आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो गैस का दाम जो है इतना बढ़ गया, पहले मोदी सरकार कहता था गैस का दाम कम कर, बढ़ गया ना सर, अब मोदी क्या करेंगे, पूरा देश का बड़ा हुआ है। 24 में वोट मोदी को देंगे? एकदम मोदी ऐबे करेगा, उसी चलबे करेगा देश। चलिए इधर आ जाइए। क्या चाचा इधर देखिए, क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल सत्तार। 24 में किसको वोट देंगे? अभी वक्त आने पर बताया जाएगा, अभी कैसे बताएं। मोदी जी का काम कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। क्या लगता है 24 में रह पाएंगे? भगवान जाने, भगवान जाने, है ना। चलिए इधर आइए, देखिए भाई साहब एक मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं, इधर आ जाइए। 24 में पीएम पद के पद पर किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री को देखेंगे जो अभी है, मोदी जी को जी। किसको देखना चाहेंगे? तो उस वक्त देखा जाएगा सिचुएशन कैसा किनका है। मोदी का काम अभी कैसा लग रहा है? अभी तो फिलहाल ठीक ही ठाक है, ठीक ठाक है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सही नहीं है, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जो लोग कह रहे हैं उनसे आपको भी करना पड़ेगा। आपके लिए बढ़िया है? मेरे भी बहुत अच्छा है। मोदी जी का तीन काम बताइए। मोदी जी का तीन काम ये है कि जो है महंगाई थोड़ा बढ़ा है। तीन हम बढ़िया काम पूछ रहे हैं, आप खराब काम? यही तो अच्छा काम हुआ ना, ये बढ़िया काम। बेरोजगारी थोड़ा बढ़ा है। अच्छा, और समझे, महंगाई बढ़ा है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन कब किए? ग्रेजुएशन 2016। 16 में ग्रेजुएशन किए, रोजगार नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला। प्रयास किए कि नहीं कभी? प्रयास तो किए, प्रयास किए। मोदी जी का बढ़िया काम बताइए। बहुत अच्छा काम है, सुकन्या योजना किसान के लिए चल रहा है, जनहित में जो है बहुत सारा काम हो रहा है सफल। आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईम गनी हुआ। 2024 में पीएम पद के लिए किसको देखना चाहेंगे? जो अच्छा करेगा वही उसी को लाना चाहिए। तो आप बताइए ना कौन अच्छा कर रहा है? अब एक तो चेक हुआ है ना, अभी अगला चेक होगा तब ना पता चलेगा। अच्छा, अगला कौन हो सकते हैं, कौन चेहरा आपके नजर में बेहतर है? मेरे नजर में तो अभी फिलहाल राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी जी? क्यों, मोदी जी क्यों खराब है? मोदी जी का तो खराबी ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन जब मार्केट में जाइएगा तब पता चलेगा। क्या बताइए, मार्केट में क्या खराबी पता चल रहा है, यही हम जानने के लिए आपके पास आए। अच्छा, जहाँ तक अभी महंगाई की बात चल रही है लोगों में, क्या वो सही है या गलत है आपके नजर में? नहीं, महंगाई किसी भी स्तर का हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़नी चाहिए? तो अभी बढ़ रही है, कम हो रही है? आप बताइए ना, आप पब्लिक है, आपसे ओपिनियन लेने हम आए हैं, तो इसलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं। अगर आप हम आपका ना, नहीं हम घूम रहे हैं, हम पब्लिक का ओपिनियन लेने आए हैं। आपके नजर में क्या है, आप बताइए, हमसे सवाल आप मत करिए। आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार में क्या क्या कमियां जो है वो बताइए आप। कमियां यही है कि अभी तो सिर्फ महंगाई का रोना रोया जा रहा है। अच्छा, बकिया तो सब कुछ ठीक चल रहा है उनका। बाकी मोदी सरकार में ठीक क्या हुआ है वो बताइए। सब कुछ ठीक है, जनता जागरूक हो गया है। किस चीज को लेकर? पैसा सबके पास ज्यादा आया है, इसीलिए महंगाई भी ज्यादा हो गया है। अच्छा, देश के लिए क्या किए हैं मोदी जी? देश के लिए तो अभी तक हमको नहीं समझ में आया कुछ। नहीं समझ में आया? नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को घुसकर महामारी से होते होते तो सब प्राइवेट होते चला जा रहा है, बस यही मोदी जी का काम होता चला आ रहा है। क्या क्या प्राइवेट हुआ है अब तक? अभी तो रेलवे का बहुत सारा प्राइवेट हो गया है, हो गया, कंपनियां प्राइवेट हो गई है जैसा कि हमको मालूम हुआ है। अब आगे देखेंगे तो फिर आपको बताएंगे। जो प्राइवेट जो कंपनियां हुई है उससे क्या फायदा नजर आता है, क्या घाटा नजर आता है? जब आदमी सरकारी के लिए तलाश करता है और फिर सरकारी करते करते प्राइवेट हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में गरीब लोगों के लिए मोदी जी जो फ्री में राशन दिए हैं, कन्या सुकन्या योजना लाए हैं, किसानों को जो है वो पैसा दे रहे हैं। अच्छा, आप फिर आगे को क्या कर रहे हैं? जैसे रेलवे जो प्राइवेट हो गया तो कई तो बेरोजगार हो गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रेलवे आप बता रहे हैं प्राइवेट हो गया है, क्या रेलवे में वैकेंसी नहीं आ रही है अभी? रेलवे सरकारी तरफ से आ रही है, लेकिन जो सरकारी है पूर्ण रूप से अभी प्राइवेट हुआ कहाँ? बहुत सारे प्राइवेट हो गए, बहुत सारी कंपनियां बिक गई हैं। कौन कौन सी और कौन सी कंपनी ये लगाए हैं इनको देखिए, कौन कौन सी कंपनियां बिकी है ये बताइए। अब हमको तो अभी रेलवे पता है, आगे रेलवे, अगर रेलवे बिक गया होता तो हाल फिलहाल में ही वैकेंसी आई है सरकार की तरफ से, आगे फिर हम चेक करके आपको बताएंगे। पूरा रेलवे अभी प्राइवेट तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं तो हो गया है, लेकिन धीरे धीरे जो ये प्राइवेट हो रहा है तो क्या ये नुकसान नहीं है? अच्छा, राहुल गांधी या मोदी 2024 में? हम तो अभी 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 के हिसाब से राहुल गांधी ही बेहतर होंगे।